देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। सहकारी मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर जमकर निशाना साधा। मंत्री अरविंद भदौरिया ने कहा कि दिग्विजय सिंह मीडिया में बने रहने के लिए उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं। मंत्री अरविंद भदौरिया ने दिग्विजय सिंह से सवालिया अंदाज में पूछा कि जो व्यक्ति कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी और राहुल गांधी की डिग्री सार्वजनिक करेगा, दिग्विजय सिंह ऐसे व्यक्ति को बतौर क्या इनाम देंगे। प्रदेश की सियासत में भले ही भाजपा और कांग्रेस का बोलबाला हो, लेकिन इसके बावजूद भी प्रदेश की सियासत मौजूदा समय में महाराजा बनाम राजा पर टिकी हुई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बयान पर मंत्री अरविंद भदौरिया ने पलटवार करते हुए कहा कि जब बड़े महाराज यानी माधव राव सिंधिया के सामने दिग्विजय सिंह के बैठने की भी हिम्मत नहीं होती थी, दिग्विजय सिंह केवल मीडिया में बने रहने के लिए बयान देते रहते हैं जिसका लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं होता। मंत्री अरविंद भदौरिया ने कहा कि यूपी चुनाव को देखते हुए दिग्विजय सिंह ओसामा बिन लादेन को जी कहते हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आतंकवादियों को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की सोच क्या है। गौरतलब है कि दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी और संबित पात्रा की जो व्यक्ति डिग्री सार्वजनिक करेगा उसे बतौर 2 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इस मामले पर मंत्री अरविंद भदौरिया ने कहा कि जो व्यक्ति कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी और राहुल गांधी की डिग्री सार्वजनिक करेगा उसे क्या इनाम मिलेगा। याचिका पर सुनवाई होने जा रही है और कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी सरकार दोहरी नीति और मापदंडों को जो है कोर्ट में पेश करेगी। एक्चुअली पंचायत चुनाव होना चाहिए, पंचायत चुनाव की घोषणा की है, एक इंडिपेंडेंट निर्वाचन आयोग है उसके माध्यम से पंचायत चुनाव का निर्णय किया गया। कांग्रेस का मैंने विवेक तनखा साहब से लेकर सभी लोगों ने ये चुनाव ना हो पाए इसके लिए लगातार कोर्ट में प्रयास कर रहे हैं, बाकी सब कर रहे हैं। ये आम जनता का चुनाव है, कोर्ट का जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, सरकार के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब स्पष्ट निर्देश है कि चुनाव होगा और चुनाव होना भी चाहिए। अभी तक का जो इतिहास है 99% मैं लंबे समय का थोड़ा अध्ययन किया है कि माननीय उच्च न्यायालय बीच निर्वाचन में ऐसे कमी रिकॉर्ड है, एकाध कभी हुआ होगा, हस्तक्षेप नहीं करते हैं। लेकिन जो भी उच्च न्यायालय के बारे में बोलना भी क्या है कि जो निर्णय होगा करेगा, लेकिन हमारा अभी भी मत है चुनाव होगा, जनता का चुनाव है, आम जनता का चुनाव है और ये राजनीतिक सिंबल पे इलेक्शन नहीं है, ये आम जनता चुनाव लड़ती है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को इस बारे में